नमस्ते दोस्तों, मैं सुमिला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। इस टाइम पे फिर मैं अपने बगीचे में हूँ। इस टाइम पे दोपहर के 2 बज रहे हैं और 2 बजे मैंने जो है 1 बजे से अपने पौधों की गुड़ाई करनी शुरू कर दी थी। और ये देखिए, सारे पौधों की मैंने गुड़ाई कर दी है और ऊपर से मैंने मिट्टी हटा ली है और उसकी जड़ों में थोड़ी टाइम के लिए मैं छोड़ रही हूँ ताकि इसमें थोड़ी हवा लग जाए इसकी जड़ों में और पौधों की जड़ों में और थोड़ी हल्की हल्की धूप। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी पौधों के अच्छे से गुड़ाई कर ली है। ये काम भी हमको इस टाइम पे कर लेना है। इसके बाद गुड़ाई करने के बाद थोड़ी देर आप छोड़ दें, इसके ऊपर की मिट्टी हटा लें थोड़ी थोड़ी। ये देखिए मैंने कितनी सारी मिट्टी सारे गमलों की निकाल के साइड में कर दी है। ये देखिए, तो ऊपर से आप हल्की हल्की मिट्टी निकाल देंगे और फिर इसमें है थोड़ी थोड़ी इसकी जड़ें जो ऊपर दिखती है ना, इनको भी थोड़ा थोड़ा तोड़ देते हैं। इन ये जड़ें हटाने से हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से हम जो है सारे पौधों में गुड़ाई कर लेंगे और आप देखेंगे कि मैंने सारे पौधों में गुड़ाई कर ली है इस तरीके से, जितने भी पौधों में, और इनको छोड़ दिया है थोड़ा 1 घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं है देखिए सारे में गुड़ाई करी है। देखिए जितने भी मेरे पौधे थे इसमें बालकोनी में, मैंने सब में अच्छे से गुड़ाई कर दिया है। ये देखिए, तो उसके बाद मैंने इसमें गुड़ाई करने के बाद 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि इसमें थोड़ी सी धूप और थोड़ा सा हवा लगे इनकी जड़ों पर। तो उसके बाद मेरे को मिलानी है खाद। तो खाद आप कोई से भी मिला सकते हैं, किचन वेस्ट से बनी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद। तो मेरे पास तो तीनों ही खाद है, परंतु मैं इस बारी अपने जो है मेरे किचन से बनी हुई जो मेरी खाद है, किचन वेस्ट से मैंने तैयार की रखी है खाद, वही वाली खाद मैं इसमें डालूंगी सारे पौधों में। तो वो सबसे बेस्ट खाद जो होती है वही होती है जो हम अपने किचन से निकले हुई सब्जियों से बनाते हैं, सब्जी या फलों के छिलकों से बनती है हमारी, वो सबसे अच्छी खाद है। तो मैं वही अपने अभी गुड़ाई करी है, तो वही मैं आप डालने वाली हूँ पौधों में। तो इस सारी मैंने सारी की सारी गुड़ाई कर दिया और इससे जो है मेरे फूल निकलने बंद हो गए थे गुड़ल में, तो फूल भी निकलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, और ये मैं सब आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में, जब मैं 1 घंटे बाद फिर से आपको दिखाऊंगी। और कॉस्मोस का मैं पौधा दिखाऊंगा आपको। तो देखिए मेरे कितने सुंदर इसमें फूल निकलने लग गए हैं और बहुत सारे मेरे कॉस्मोस के पौधे लगे हैं। ये देखिए, तो सब में फूल निकलना शुरू हो गया और दिखते बहुत सुंदर है और बहुत टाइम तक ये हमारे टिके रहते हैं। दोस्तों अब मैं आई हूँ यहाँ पर खाद मिलाने के लिए, और ये जो खाद है ना मेरा किचन वेस्ट से बना हुआ खाद है। देखिए कितना अच्छा खाद बना हुआ है, एकदम बहुत बढ़िया खाद बना हुआ है। और यहाँ पर मैं अब अपने पौधों में खाद डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 घंटे के लिए इनको छोड़ दिया था गुड़ाई करने के बाद, तो अब मैं इसमें पूरी तरीके से खाद मिलाऊँगी। 2-2 मुट्ठी इसमें अच्छे से खाद डाल लेंगे इस तरीके से, 2-3 मुट्ठी डालेंगे इस तरीके से डालेंगे। उसके ऊपर फिर हम जो हमने मिट्टी निकाली थी ना उसी को ही फिर इससे कवर कर लेंगे इस तरीके से। और सारे के सारे जितने भी खरपतवार थे सब हमने निकाल दिए हैं। जो जंगली घास होती है ना उसको हटाना है बिल्कुल, उनको नहीं रहना चाहिए। सारी की सारी न्यूट्रिशन जो पौधों की होती है ना, खाद हम डालते हैं तो वही हमारे जो है जंगली पौधे जो है ना वो सारी की सारी खाद अब अपने लिए ले लेते हैं और पौधों को नहीं मिलता, ये सारी न्यूट्रिशन हमारे जंगली पौधे ले लेते हैं। तो इस तरीके से सारी मैंने हर चीज़ से सूखी टहनियाँ पत्ते सारे हटा दिए हैं अपने पौधों से। और अब मैं खाद डाल रही हूँ, जो सूखी सूखी टहनियाँ भी हैं पत्ते भी हैं आपके पीले, वो सारे हटाने हैं आपको इस तरीके से। और अब मैंने इसमें से खाद डाल लिया। ये देखिए सारे गमलों में मैंने जितना मैं गुड़ाई करी है सब में मैं इस तरीके से खाद मिला लूँगी। और किचन वेस्ट की खाद जो होती है ना बहुत ही पावरफुल खाद होती है पौधों के लिए, इस तरीके से मिलाते चले जाऊँगी। और ये देखिए, तो इस टाइम पे है सीज़न अपने पौधों में खाद मिलाने का, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है हमारे फूल इतने अच्छे अच्छे हमारे सर्दियों में फूल खिलते हैं। तो सारे फूल और फल वाले जितने भी पौधे हैं सब में आप धीरे 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 खाद मिलाना शुरू कर लें। ये देखिए, तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरे में देखिए खाद मिला लिया। खाद मिलाती जा रही हूँ ऊपर से, फिर मैं इसको खाद को ढकती जा रही हूँ मिट्टी से, जो मिट्टी मैंने निकाली थी उसी मिट्टी से मैं खाद को दबाते चले जाती हूँ। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जब हम पानी डालते हैं तो पानी डालते वक्त ना फिर खाद हमारी जो पानी ज़्यादा हो जाता है
तो खाद भी बह जाती है, तो उसको खाद को ढकना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से मिट्टी से इस तरीके से हम ढक लेंगे इसको। यहाँ पे मैंने सारे में डाल ली है, अब चलते हैं आगे। अब मैं इस साइड को आऊंगी जहाँ पे लेके चलती हूँ आगे की तरफ को। अपना ये सारी खाद और मिट्टी यहाँ पे मेरे यहाँ के मेरे पूरे गमले में हो गया। अब यहाँ पे डालना शुरू करूँगी। तो इसी तरीके से मैं सारे गमलों में अपनी खाद मिला लूँगी। धीरे धीरे ऊपर से मिट्टी से कवर करती रहूँगी। तो ये सब काम करने के बाद दिखाती हूँ फिर मैं आगे। देखिए दोस्तों, मैं सब में मैंने खाद मिला ली है। ये देखिए खाद के ऊपर और फिर मिट्टी डाली है, मिट्टी की लेयर ऊपर से डाली है। पहले खाद डाली है, उसके बाद फिर मिट्टी डाली है। सारे में मेरे देखिए सारे में मैंने डाल लिए हैं। तो ये ऐसा ही काम आपको भी करना है इस टाइम पे। ये देखिए तो ये सब हो चुका है मेरा काम। और फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए 4 o'clock इस टाइम पे 5 बज रहे हैं, और इस टाइम पे देखिए कितने अच्छे मेरे ये 4 o'clock के फूल खिले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरे ये येलो कलर के फूल हैं। ये देखिए, तो अब मुझे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा मेरा और मेरा थोड़ा सा काम है यहाँ पर। यहाँ पर मेरा मिनी सन रोज़ है जिसकी मैं कटिंग लगाने वाली हूँ। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पे मैं इसकी कटिंग लगाऊंगी। चलो फिर मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ। यहीं से ही मैं कटिंग लूँगी। ये देखिए जो ये नीचे लटक रही है ना, इनकी कटिंग मैं ले लूँगी। ये देखिए, तो यहाँ से कटिंग लेके मैं लगाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने ये निकाल ली है मिनी सन रोज़ की कटिंग। ये देखिए, तो इस कटिंग को मैं किस में लगाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये छोटे मोटे जो काम है वो इस टाइम पर यहाँ पर मैंने इनकी छोटी छोटी कटिंग कर ली है। ये देखिए, और नीचे के पत्ते जो है ना हमें हटाने हैं। ये देखिए मैंने सारे पत्ते नीचे के जितने भी हैं मैंने सारे पत्ते हटा लिए हैं। ये देखिए, तो अभी मेरे को यहाँ पे जो है मेरी हैंगिंग बास्केट है, और हैंगिंग बास्केट में जो है बहुत सुंदर लगता है मिनी सनरोज। तो मैं यहीं पर इसको लगाने वाली हूँ। ये मैंने कल ही मिट्टी इसमें भरी थी और मिट्टी बहुत अच्छी बनी हुई है मेरी इसमें, तो इसमें मैं इसको लगाने वाली हूँ। और इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पानी से जो है इसकी ये जो गल जाती हैं, तो इनके पत्तों में ही जो है ना पानी स्टोर रहता है, तो ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादा पानी डालना नहीं है इसमें। तो इस तरीके से मैं इसको सारे में लगा लेती हूँ। इस तरीके से हम सबको ग्रो कर लेंगे इसमें। ये देखिए, तो सारी की सारी सनरोज की कटिंग मैंने इसमें लगा ली है। और इसमें अब मैं इसमें थोड़ा इसमें पानी डालूंगी क्योंकि मिट्टी मेरी बहुत सूखी हुई है। ये देखिए, तो इस मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इस टाइम पर मैं एक बार इसमें पानी अच्छे से पानी डाल लूँगी। इसके बाद फिर जब मिट्टी एकदम सूख जाएगी तभी मैं दोबारा पानी डालूँगी। तो इस तरीके से मैंने डाल लिया है। ये देखिए सारी की सारी कटिंग मेरी लग चुकी है इस तरीके से, और ये मेरा हैंगिंग बास्केट तैयार हो गया। ये देखिए, तो इसको मैं पानी डालना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ पानी डालूँगी। तो ये देखिए मैं इसमें पानी डाल दिया है अच्छे से। तो पानी मैं डाल चुकी हूँ इसमें, और इसको मैं कहीं इसको अच्छी जगह से हैंग कर दूँगी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे इसे लगाने वाली हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पे हैंग कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे और भी मेरी हैंगिंग बास्केट मेरी लगी हुई है। और दोस्तों मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए
मैंने अपना सारा जो है मेरे जो मेरी छोटी सी मेरी मिट्टी वाली ज़मीन है ना, मैंने वो सारी साफ़ कर लिया देखिए, और वहाँ पे मैंने ढेर कर दिया है ये देखिए। तो इस ढेर में को मैं ऐसे ही सूखने दूंगी, और जब अच्छे से सूख जाएगा तो फिर अपने गमलों में भरने के मेरे काम आ जाएगा। और पूरे में देखिए, अब मैं इसमें कल मैं अच्छे से इसमें गुड़ाई करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें पालक लगाऊंगी और राई लगाऊंगी और मूली लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पालक, राई और मूली लगाती हूँ, तो वही मेरे को लगाना है यहाँ पे। बाकी मेरी सारी की सारी चीज़ें मेरी लग चुकी हैं, बाकी मैंने अपने बगीचे को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। यहाँ पे सर मेरे जो मेरे यहाँ पे वो बेल थी ना, बेल भी मैंने हटा ली है, तोरी की बेल थी सारी की सारी, तो तोरी की बेल भी मैंने हटा ली है। अब उसमें बहुत कम तोरियां लग रही थी तो मेरे को हटाना था, दिवाली भी आ रही है तो साफ़ सफ़ाई करनी, अपने गार्डन की साफ़ सफ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सही साफ़ सफ़ाई मैंने अच्छे से कर ली है, तो इसी तरीके से मैंने कर लिया अपना गार्डन को साफ़। अब मुझे एक काम करना है कि मुझे अपने गमलों को पेंट करना है, तो पेंट कर मैं लेके आऊँगी ख़रीद के, फिर उसके बाद अपने गमलों में भी पेंट करना शुरू करूँगी। तो बस यही मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जिसको मेरे को आपको आज दिखाना था, किस तरीके से हम अपने गमलों में खाद वाद खाद डाल लें, अच्छे से गुड़ाई कर लें, यही सब मैंने आपको दिखाना था। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो करती हूँ समाप्त। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे भी आगे बढ़ाएँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद का नमस्कार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से।